मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अमृत तिवारी। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एमएसएमई समिट का आयोजन किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की घोषणा की है। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी से बात करते हुए डॉक्टर यादव ने बताया कि एक नया कानून प्रस्तावित है जिसमें पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। कोई गड़बड़ी हो नहीं रही है, यही हम कह रहे हैं कि प्रदेश को बदनाम करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। पांचवा झूठ आपने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, लगातार झूठ बोलने की श्रृंखला है। जो ये देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी है जिसने आईआईटी और नीट का एग्जाम कराया है, ये वो कंपनी है। मध्य प्रदेश में परीक्षा घोटालों का काला इतिहास रहा है जिसमें व्यापम से लेकर 2023 पटवारी भर्ती में कथित अनियमितताएं शामिल हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एनडीटीवी के मंच से खुद राज्य के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने इसका ऐलान किया। इसका प्रस्ताव आने वाला है कि 10 साल की सजा और कठोर कार्रवाई। आज मैं विधानसभा के अंदर से जहाँ से लौटा हूँ, हमने कई आज भी निर्णय किए, कैबिनेट के अंदर भी ऐसे निर्णय हुए। जहाँ हमने कठोर कार्रवाई की बात की, वहीं हमने संस्कृति से जोड़ने के अवसर भी निकाले। बिल का मसौदा भी एनडीटीवी के पास है जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव है। यदि पेपर लीक मामला संगठित अपराध के रूप में साबित होता है तो आरोपियों को कानून में दी गई अधिकतम सजा दी जाएगी। इसमें दोषियों की संपत्ति कुर्क जब्त करने का भी प्रस्ताव है। यदि सेवा प्रदाता पेपर लीक की घटना के बारे में जानकारी होने के बावजूद पुलिस को सूचित करने में विफल रहते हैं तो उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। पेपर लीक मामले को गैर जमानती अपराध माना जाएगा। मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे के अधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा। हालांकि कांग्रेस को लगता है इसका कोई हासिल नहीं है। कानून और नियम पहले से बने हुए हैं, सवाल ये है कि कानून नियम बने होने के बावजूद ये पेपर लीक क्यों होते हैं? सबसे बड़ा बात यही है। और इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? पहली बात तो होते ही क्यों हैं, और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अब 1 करोड़ आप जुर्माना लगाएं या उनको जेल भेजें या फांसी पर लटकाएं, ये व्यवस्थाएँ आप कर रहे हैं तो इन व्यवस्थाओं के बाद ये रुकेगा? ये भी क्या निश्चित है कि रुकेगा? तो सवाल ये है कि आपकी इच्छा शक्ति रोकने की होना चाहिए। कानून नियम अपनी जगह पे होते हैं, कानून नियम पहले ही से बने हुए हैं, उन्हीं को आप प्रभावी तरीके से लागू करिए। लगभग 3 महीने पहले स्कूल और बोर्ड की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के मकसद से इस कानून का मसौदा बनना शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही नीट पेपर लीक का मामला सामने आया अधिकारियों ने इसके दायरे को बढ़ाकर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को इसके अंदर रख दिया। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।